जी हाँ, सवाल अब यही है कि आखिर अनिल विज ने ऐसा बयान क्यों दिया। दरअसल मनोहर सरकार को घेरने के लिए इनेलो जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रही है और इनेलो की इसी तैयारी पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने अभय चौटाला पर पलटवार कर दिया, क्योंकि अक्सर अनिल विज अपने कुछ इसी तरह के बयानों को लेकर जाने भी जाते हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर लंबे समय से संघर्ष करती आ रही इंडियन नेशनल लोकदल ने पानी के मुद्दे पर एक नया आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तय की है। नए आंदोलन में जहां एसवाईएल मुख्य मुद्दा होगा, वहीं इस मुद्दे को सर्वव्यापी बनाने के लिए दादूपुर नलवी नहर और मेवात कैनाल को भी साथ में जोड़ा गया है। ये बात जानना चाहूंगा कि क्या वो किस डेट में सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई सही जवाब नहीं इस बात का दिया तो हम अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश की हर एसोसिएशन, केवल राजनीतिक दलों को नहीं, हम उसके साथ साथ पंजाब एंड हरियाणा की बार जो है उस बार को भी लिखेंगे कि आप भी उस बैठक में शामिल हो। हम डिस्ट्रिक्ट बार जितनी भी है एडवोकेट्स उनको कहेंगे कि आप भी इसमें शामिल हो। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने ये भी साफ कर दिया है कि बैठक में अगर हल नहीं निकलता तो पानी के इस मुद्दे पर इनेलो शांत नहीं बैठेगी और 1 मई से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि भिवानी में पार्टी कार्यकर्ता एसवाईएल के मुद्दे पर गिरफ्तारी देंगे, इसके बाद ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जिलेवार चलेगा। साथी भी उसमें आए और अपनी तरफ से हमें कोई इसके लिए अच्छा सुझाव दे जिसकी वजह से पानी मिल सके और 1 मई से हम भिवानी में जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि 2019 की चुनावों के आहट के बीच सियासी हमले तेज हो रहे हैं। शुरुआत मनोहर लाल खट्टर ने रैली निकाल कर की तो इनेलो ने जेल भरो आंदोलन की रणनीति बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की सियासत तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।